नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बसपा का सियासी अस्तित्व जो कभी सत्ता के सिंहासन पर काबिज था, अब धीरे धीरे एक छाया चित्र में बदलता जा रहा है। पार्टी का चुनावी आधार हर बार सिकुड़ता जाता है। अब तो बसपा का नाम सुनते ही ये सवाल उठता है कि क्या मायावती की सियासत पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बसपा खाता तक नहीं खोल पाई और अब 2024 के उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पार्टी का प्रचार भी केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। मायावती ने एक और चुनावी जंग लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी ये चुप्पी सबको हंसी का पात्र बना रही है। जब बात आई थी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की, तो बसपा ने दावा किया था कि वो अकेले के दम पर चुनावी मैदान में कूदेगी। पार्टी ने 237 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 81 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर भी किस्मत आजमाने का इरादा किया, लेकिन हुआ क्या? मायावती ने इन राज्यों में एक भी जनसभा तक नहीं की और यूपी के उपचुनाव में तो उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम तक कहीं नहीं दिखाई दिया। हर तरफ सपा और बीजेपी के नेता पसीना बहा रहे थे, वहीं बसपा के स्टार प्रचारक मायावती कहीं नजर ही नहीं आए। अब सवाल उठा है कि अगर पार्टी के मुखिया ही प्रचार से बाहर हो तो किस उम्मीद पर बसपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने कभी कहा था कि उपचुनाव में उनका मुख्य उद्देश्य बसपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को जीवित रखना है, लेकिन जब बाकी राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो सपा के हों या बीजेपी के, हर चुनावी मोर्चे पर सक्रिय रूप से प्रचार में जुटे थे, तब मायावती का सियासी मौन हैरान कर देने वाला था। यूपी के उपचुनाव में तो मायावती ने एक बार भी प्रचार नहीं किया। इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। क्या मायावती ने पहले ही हार मान ली है? बसपा की राजनीति अब एक सपने जैसी दिखने लगी है, जो धीरे धीरे सियासी धुंध में खो रही है। सियासी जानकारों की माने तो पार्टी फिलहाल करो या मरो की स्थिति में है, लेकिन जब पार्टी का काडर ही ठंडा पड़े तो ऐसी स्थिति में उबरना नामुमकिन हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन शर्मनाक था। याद करिए वो समय जब 2012 में बसपा ने यूपी में जबरदस्त जीत दर्ज की थी और मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो क्या कभी किसी ने ये सोचा था कि पार्टी एक दिन ऐसे हालातों में पहुंच जाएगी कि उसका खाता तक खुलने का नाम नहीं लेगा। कहते हैं कि राजनीति में हर कदम पर फैसले होते हैं और मायावती ने जो फैसला लिया है वो किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं है। क्या मायावती चुनाव प्रचार में भाग लेंगी आगे कभी? जवाब था क्यों नहीं। बसपा को बेमिसाल राजनीति के इतिहास में खुद को दर्ज जो कराना था, लेकिन अब पार्टी खुद अपनी अतीत की राजनीति से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। कभी पार्टी की शान हुआ करती थी जो सत्ता पर सिंहासन पर बैठी, अब वही पार्टी चुनावी दौड़ से कूच करने के बजाय आराम से चाय पी रही हैं। शायद मायावती का मानना है कि कोई तो होगा जो चुनाव जीतने के लिए दौड़ेगा, मुझे क्यों परेशान होना है। खैर, मायावती का मौन अब एक नई राजनीतिक रणनीति बन चुका है। चुप रहो तो सब अच्छा रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पार्टी की मुखिया ही खुद चुनावी प्रचार से दूर है तो क्या पार्टी को अगले चुनावों में सीटें जीतने की उम्मीद भी है, या फिर बसपा का भविष्य केवल फ्री वाईफाई वाली अफवाहों पर निर्भर होगा। तो मायावती के सियासी सोने में क्या कभी जागरण होगा, या उनकी चुप्पी के बीच बसपा का राजनीतिक अस्तित्व भी मौन हो जाएगा। फिलहाल पार्टी की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि बसपा को अब खाता खोलने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी चुप्पी का बैलेंस चेक कर लेना चाहिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।